आज हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 7 एसएसटी चैप्टर 3 क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। ए टिक द करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट सर्वाइव इनसाइड द अर्थ ड्यू टू, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के अंदर सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ड्यू टू हाई टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा तापमान के कारण। नंबर 2 अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस आर कॉज्ड बाय, मतलब भूकंप और ज्वालामुखी का विस्फोट क्यों होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंटरनल डिस्टर्बेंस। नंबर 3 रिस्पेक्टिव लेयर्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्रस्ट मेंटल कोर। नंबर 4 द फुल फॉर्म ऑफ सीमा इज, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिलिका एंड मैग्नीशियम। नंबर 5 द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच नाइज फॉर्म्ड इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेनाइट। नाउ बी फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट डैश मिलियन ईयर्स अगो, तो इसका आंसर होगा 4600 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब अर्थ का फॉर्मेशन करीब 4600 मिलियन यानी 460 करोड़ साल पहले हुआ था। नंबर 2 द बिहेवियर ऑफ डैश वेव्स टेल्स अस अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर, तो इसका आंसर होगा सिस्मिक वेव्स। नंबर 3 द डैश ऑफ क्रस्ट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो इसका आंसर होगा थिकनेस। नंबर 4 रॉक्स आर क्लासिफाइड इंटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डैश, तो इसका आंसर होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। नंबर 5 द डैश ऑफ द अर्थ इज रिच इन आयरन एंड निकेल, तो इसका आंसर होगा कोर। नाउ सी गिव ए सिंगल टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब वन वर्ड में आंसर देना है। नंबर 1 इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो इसका आंसर होगा डायमंड, मतलब दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस यानी सबसे कठोर पदार्थ डायमंड है, हीरा है। नंबर 2 द मॉल्टेन रॉक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, तो इसका आंसर है मैग्मा, मतलब धरती के अंदर पत्थर के पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। नंबर 3 रॉक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ, तो इसका आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक्स। नंबर 4 शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, तो इसे अर्थक्वेक कहते हैं। नंबर 5 ए नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस मेड अप ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, तो इसका आंसर होगा रॉक। नाउ डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नंबर 1 What is the special feature of sedimentary rocks? Answer is sedimentary rocks are layered. मतलब sedimentary rocks एक के ऊपर एक layer में होता है। Number 2 How are metamorphic rocks formed? Answer is rocks which originally are igneous or sediment in nature get changed in the metamorphic rocks due to the heat and pressure. मतलब वैसे rock जो कि originally में igneous या sediment हैं, वो heat और pressure के कारण metamorphic rock में बदल जाते हैं और इस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। नंबर 3 व्हाट इज लावा? आंसर इज द फाइन रेड मॉल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड लावा, मतलब धरती के इंटीरियर में जो मैग्मा है जब वो इसके सरफेस पर आता है तो उसे लावा कहते हैं। नंबर 4 व्हाई आर इग्नियस रॉक्स कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स? आंसर इज इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स As they were formed first over the earth's surface. मतलब igneous rocks को primary rocks कहा जाता है क्योंकि earth surface पे सबसे पहले इसी rock का formation हुआ था। Number 5 What are sediments? Answer is the weathering process breaks the rocks into a small pieces. These are then carried away by water and then deposited on the river beds or sea beds. These deposits are called sediments. मतलब वेदरिंग प्रोसेस के जरिए रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, फिर इन पीसेस को पानी कैरी करता है और किसी नदी या समुद्र के तट पर रख देता है, इसे ही सेडिमेंट्स कहते हैं। नाउ ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 डिफरेंशिएट बिटवीन द पी वेव एंड द एस वेव। आंसर इज द पी वेव और प्राइमरी वेव विच कैन ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम्स एंड इज फास्टर इन स्पीड, वेयर एज द एस वेव और सेकेंडरी वेव कैन पास थ्रू ओनली ए सॉलिड मीडियम एट ए स्लोअर स्पीड। नंबर 2 राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए क्रस्ट। आंसर इज क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सर्फेस, इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स।
Now B, mantle. Answer is mantle is a very thick layer of rocks. It lies just beneath the crust. C, core. Answer is core is the innermost layer of the earth. It is mainly made up of nickel and iron. Number 3, what are fossil fuels? Name any two fossil fuels and specify their importance. Answer is the remains of animals and plants get buried and trapped under the layers and over a period of time get converted into coal, oil and natural gas. They are called fossil fuels. Oil and natural gas are the two fossil fuels. They have great economic importance all over the world as they are a major source of energy. मतलब पौधे और जानवरों के अवशेष जो कि लेयर्स के नीचे दफन हो जाते हैं वो एक टाइम पीरियड के बाद कोयला, तेल और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. इन्हें ही फोसिल फ्यूल्स कहते हैं. ऑयल और नेचुरल गैस ये दो फोसिल फ्यूल्स के एग्जांपल हैं. ये सब एनर्जी का एक मेजर सोर्स है. इसी कारण सारी दुनिया में इनका एक ग्रेट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है. नंबर 4, वाई इज़ द नॉलेज ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर based on indirect observation. Answer is the intensive heat neither allows us to dig deep, nor is there any possibility of living organisms deep inside the earth. It is therefore we have little knowledge about the earth's interior. Whatever knowledge we have is based on indirect observation. मतलब अर्थ के अंदर भीषण गर्मी होने के कारण हम गहराई तक नहीं खोद पाते और ना ही ऐसी कोई संभावना है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के अंदर पहुंच सके. इसीलिए अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमारे पास बहुत ही कम नॉलेज है और जो भी नॉलेज हमारे पास है वो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे है. मतलब इसे किसी ने भी डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया है. नंबर 5, व्हाट आर मिनरल्स? ऑन व्हाट बेसिस कैन द मिनरल्स बी आइडेंटिफाइड? गिव एग्जांपल्स. आंसर इज ए नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस that have a definite chemical composition is called a mineral. They are identified on the basis of their color, hardness and luster. Diamond, gold and silver are some of the examples of minerals. Video ko like karke channel ko subscribe jarur kar lijiye. Milte hain next video mein.